दीपावली पर लोग लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पसंद की चीजें चढ़ाने के लिए खरीदारी शुरू कर चुके हैं। ऐसे में थार रेगिस्तान में लोग सूखी सब्जी का लक्ष्मी जी को भोग लगाते हैं। ऐसी एक सब्जी है काचर यानी काचरी, जिसकी ज्यादातर पैदावार बीकानेर सहित आसपास के इलाकों में होती है। यह सब्जी लक्ष्मी जी को काफी पसंद है। ऐसे में इस सब्जी की डिमांड भी काफी बढ़ गई है। बीकानेर सहित आसपास के इलाकों में काचर की खेती होती है और यह काचर यहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है। दीपावली पर लक्ष्मी जी को भोग लगाने के लिए लोग इसकी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। वहीं कई लोग इसका भोग लगाकर अगले दिन इसकी सब्जी का लुत्फ उठाते हैं। दरअसल काचर काचरी का सबसे बड़ा उपयोग चटनी में होता है और यह राजस्थान का मुख्य व्यंजन में आता है। दुकानदार श्याम तंवर ने बताया कि इस काचर सब्जी का सीजन सावन में शुरू हो जाता है, जो करीब चांद पांच माह यानी दिवाली तक रहता है। यह बीकानेर के आसपास के इलाकों में उगता है और इसकी सप्लाई दूसरे शहरों में भी होती है। यह बाजार में 30 से 40 रुपए किलो बेचा जाता है। यह शरीर में कई बीमारियों को दूर रखता है। काचर में कई पोषक तत्व भी रहते हैं, जिससे शरीर को काफी फायदा रहता है। शरीर में कई तरह की बीमारियां भी इससे दूर होती है। यह पेट की पाचन शक्ति तथा सर्दी जुकाम से भी राहत दिलाता है। साथ ही यह रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है और एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण यह कई रोगों से मुक्ति भी दिलाता है। काचर है सब्जी, दीपावली के मेन दिन इसकी पूजा होती है, लक्ष्मी जी की आरती और इसकी पूजा होती है। अगले दिन लोग इसको सब्जी बना के खाते हैं, शौक से खाते हैं। क्या भाव बेच रहे हैं बाजार में? ये 30 रुपए किलो है। इसकी डिमांड कितनी है अभी? डिमांड बहुत ज्यादा है अभी इसकी। जैसे दीपावली का दो दिन बाद दीपावली है तो काफी लोग ले जा रहे हैं। इसका सीजन कब रहता है? इसका यही माह है सीजन, दीपावली के बाद अभी बंद हो जाएंगे। अच्छा, और कहाँ उगती है ये? ये मुख्यतः बीकानेर के आसपास इलाके में उगती है। और ये अब अभी इसकी डिमांड अभी कितने, रोजाना कितने लोग आ रहे हैं ले जाने के? वो जो कस्टमर आ रहा है वो 10-20 रुपए के लेके जा रहा है, क्योंकि पता है उस दिन मिलेगा नहीं, फिर जो आ रहा है वो लेके जा रहा है।